और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चॉपर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। पक्षी से हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और यहां से वो लखनऊ के लिए उड़ान भर रहे थे। उसी वक्त उनके हेलीकॉप्टर के साथ एक पक्षी टकरा गया और दूसरे स्टेट प्लेन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए अब वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर थे, जब सुबह सुबह वो लखनऊ के लिए रवाना होने वाले थे उसी दौरान उनके हेलीकॉप्टर के साथ एक पक्षी टकराया, जिसके बाद उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और अब बताया जा रहा है कि जो दूसरा स्टेट प्लेन है उसके जरिए अब वो आगे लखनऊ की ओर रवाना होंगे। तो आप देख सकते हैं कि उनके जो हेलीकॉप्टर्स है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स, इसमें ये दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स होते हैं और जो वीआईपी हेलीकॉप्टर ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि डबल इंजन की हो, कि इनकेस अगर कोई एक इंजन या फिर इस तरह से बर्ड हिट होता है तो दूसरे कोई इंजन के जरिए उसको लैंड करवाया जा सके। तो ये बड़ी घटना है जिसमें आपको बता दें कि फिलहाल कोई खतरे की बात नहीं है, सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की। लेकिन आज सुबह सुबह जब वो वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त उनका जो चॉपर था वो पक्षी से टकराया, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह मौजूद है। विशाल, आपके पास क्या जानकारी है फिलहाल? देखिए अमित, जो हमारे पास यूपी सरकार के टॉप सोर्सेज के जरिए जानकारी ये मिली है कि वाराणसी से स्टेट प्लेन से रवाना हुए थे सीएम योगी लखनऊ आने के लिए, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ने वाराणसी से लैंडिंग स्टार्ट की है, टेक ऑफ स्टार्ट किया है, उसके बाद 5 मिनट की ये पूरा जो ड्राइव है वो हुई थी और उसके बाद हवा में एक पक्षी है वो प्लेन से, यानी कि उनका जो स्टेट हेलीकॉप्टर है उससे आकर के टकराया है, जिसके बाद जो हेलीकॉप्टर का शीशा है उससे बताया जा रहा है कि क्रैक आया है। और ऐसे में जो पायलट्स हैं, जो टेक्निकल स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सुरक्षित नहीं माना कि लखनऊ तक का सफ़र है, कम से कम 1 घंटे लग जाते हैं और अगर इस दौरान सफ़र को आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत रास्ते में हो सकती है। एहतियात के तौर पर प्लेन की, यानी कि जो सीएम का हेलीकॉप्टर है, स्टेट प्लेन है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग बाबतपुर एयरपोर्ट पर कराई गई है और उसके बाद जो स्टेट प्लेन है लखनऊ का, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का, वो वाराणसी पहुँच चुका है और कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन एकाएक माहौल वहाँ पर निश्चित तौर पर थोड़ा टेंस हो गया था जब पक्षी के टकराने के बाद प्लेन का, जिनका हेलीकॉप्टर है, उसका शीशा हल्का सा क्रैक किया था, हल्का सा टूटा था। लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल जो हेलीकॉप्टर है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है। सीएम योगी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उसके बाद वहां पे जो दूसरा स्टेट प्लेन पहुंच रहा है उसमें वो बैठ करके लखनऊ के लिए रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल विशाल, एक बार जरा हम ये हेलीकॉप्टर दिखा दें जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, यही स्टेट हेलीकॉप्टर है। आपको बता दें कि ये बेल कंपनी का हेलीकॉप्टर है, बेल 412 EP, और इसे बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। और इस तरह के दो हेलीकॉप्टर चॉपर्स हैं जिसमें आप एक नीले रंग का देख रहे हैं, एक लाल रंग का है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर्स हैं जिसका इस्तेमाल वीवीआईपीस करते हैं, वीआईपीस करते हैं। बताया जा रहा है कि जैसा विशाल बता रहे थे, इसी में से जो उसका जो ग्लास के साथ, यानी कि खिड़की के साथ बताया जा रहा है कि कोई पक्षी टकराया, जिसके बाद क्रैक होने की वजह से फिर हेलीकॉप्टर को एहतियातन उतार दिया गया है। तो फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। तो दूसरा जो स्टेट हेलीकॉप्टर है उत्तर प्रदेश का, उसके जरिए अब वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।